खरगोन जिले के ग्राम ऊन से डेढ़ माह पहले एक स्कूली छात्रा स्कूल जाने के बाद घर वापस नहीं लौटी, जिसकी शिकायत दर्ज करने के बाद डेढ़ माह बीतने से परिजन परेशान थे। ऐसे में पुलिस कार्यवाही से असंतुष्ट होकर पूरे जिले का धनगर समाज एकजुट हुआ और प्रदेश स्तरीय आंदोलन की चेतावनी दी। हम आपको बता दें कि घर से गायब होने के बाद युवती के परिजन ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर भी शिकायत दर्ज कराई। ऐसे में समय निकलते देख गुस्साए परिजन पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और 7 दिन का समय देकर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। इस दौरान SDOP रोहित अलावा ने बताया कि युवती की पड़ताल की जा रही है, जिसे जल्द ढूंढकर परिजनों को सौंपेंगे। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। एसपी कार्यालय का घेराव भी किया, क्या कहना? धनगर समाज की बालिका जिसकी उम्र 14 वर्ष है, नाम दीपिका, पिता जितेंद्र धनगर है, ऊन की रहने वाली थी। वो स्कूल गई और स्कूल के बाद में लापता हो गई, जिसकी रिपोर्ट परिजनों द्वारा ऊन थाने में दर्ज कराई गई थी, लेकिन कहीं पर से उनको सुविधा उसके बच्ची के संबंध में सूचना या नहीं दे पाए परिवार को। फिर परिवार के द्वारा हमें धनगर समाज के बंधुओं को सूचना दी गई। समाज के बंधुओं ने एक ज्ञापन आवेदन दिया श्री पुलिस अधीक्षक महोदय को, जिसमें निवेदन कहा था कि समाज की बालिका गायब हो गई है, उसका पता नहीं चल रहा है, तो उसकी जल्द से जल्द प्राप्ति की जाए और समाज को दी जाए। जिसमें अभी क्या चेतावनी दी, जिसमें गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी, प्रभारी मंत्री श्री कमल पटेल जी और कलेक्टर महोदय को आवेदन दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण परिवार के द्वारा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन उसके बाद भी बालिका का कहीं से कोई पता नहीं लगा। आज तारीख को डेढ़ माह हो गया है बालिका को परिवार से गए हुए। आज हम सब समाज बंधुओं ने एकत्रित होकर माननीय मुख्यमंत्री जी को ये संदेश दिया है श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा कि हमारे समाज की बालिका को जल्द से जल्द ढूंढ कर लाके परिवार को सौंपे। समाज में आक्रोश दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, अगर यही स्थिति रही 7 दिन में अगर बालिका समाज को नहीं ढूंढ कर लाके दी तो पूरे मध्य प्रदेश में धनगर समाज उग्र आंदोलन करेगा। जिसकी बच्ची लापता हुई, क्या है मामला? ये ऊन थाने में एक प्रकरण दर्ज हुआ था, 363 का इसमें प्रकरण दर्ज हुआ था। एक धनगर समाज की एक बालिका जो कि घर से कहीं चली गई थी, इसमें 363 का अपराध दर्ज है। पुलिस इसमें पूरे प्रयास कर रही है, इसमें जो तकनीकी सहायता है वो भी हम ले रहे हैं, CDR का एनालिसिस भी कर रहे हैं, और इसमें हमें कई इनपुट्स भी मिले थे, हमने टीम भी वहाँ पर भेजी थी, लेकिन हमें वहाँ पर कोई खबर नहीं मिल पाई। लेकिन अभी हमें कुछ और जानकारियाँ मिली है, तो हम इसकी पूरी अच्छे से पड़ताल कर रहे हैं, और जैसे ही इसकी खबर लगेगी हम इसको बच्ची को पुनः लेके आ जाएंगे। 7 दिन की चेतावनी दी है, और SP आपने इसका घेराव भी किया, बैठे भी हैं, 7 दिन की चेतावनी दी है। पुलिस इसमें पूरे प्रयास कर रही है, जैसे ही इसमें जानकारी मिल जाएगी इसमें बच्ची को ले आ जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।